टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी के मौत से हर तरफ शोक की लहर। इस दुख से कैसे उभर पाएगी ऑस्ट्रेलिया, खिलाड़ियों का मनोबल टूटा। सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया कर रही है जी तोड़ मेहनत। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज जोरदार तरीके से हुआ था। फिलहाल सभी टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड नंबर वन पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। वहीं इस बीच टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम से बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज एलन थॉम्पसन का 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात की जानकारी हाल ही में news.com.au के द्वारा मिली है, जहां उनके भाई यान ने इस खबर की पुष्टि की है। दरअसल टी20 विश्व कप का 2022 के बीच मेजबान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एलन थॉम्पसन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। यह वही खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले विकेट लेकर अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करवा दिया था। बहरहाल उनके निधन की खबर से पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ क्रिकेट जगत में शोक की लहर आ गई है। बता दें कि एलन थॉम्पसन के निधन की खबर उनके भाई यान द्वारा प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि थॉम्पसन कुछ दिन पहले गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कराई गई थी, लेकिन उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो अपनी जान गंवा बैठे और दुनिया को अलविदा कह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व तेज गेंदबाज एलन क्रिकेट जगत में शानदार गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने साल 1970-71 में 7 टेस्ट एशियन सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम में डेब्यू किया था। हालांकि ब्रिस्बेन और पर्थ में खेले गए 2 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गया था। उसके बाद एलन को 5वां और 6ठा टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। गौरतलब है कि एलन ने साल 1971 में 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेलबर्न ग्राउंड में वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत हासिल की थी। इस मैच में ही थॉम्पसन ने 8 ओवर में अपना पहला विकेट लिया था और 22 रन लुटाए थे। हालांकि उन्होंने इस मैच के बाद कोई भी वनडे नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एलन ने बेशक से दुनिया को अब अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए क्रिकेट जगत की दुनिया में अमर हो गया। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों के 4-4 मैच में 5-5 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के कारण न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर बनी हुई है। इंग्लैंड दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के 4 मैच में 5 अंक हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 4 मैचों में 5 अंक हैं। कंगारू टीम को अंतिम मुकाबले में 4 नवंबर को अफगानिस्तान से भिड़ना है। टीम यदि यह मैच जीत लेती है तो सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी। कंगारू टीम टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में उसे न्यूजीलैंड से 89 रन से बड़ी हार मिली थी। श्रीलंका के 4 मैच में 4 अंक हैं। न्यूजीलैंड ने अब तक कभी भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। पिछले साल ओमान और यूएई में हुए टूर्नामेंट में फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। वहीं 2016 में टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, यानी टीम ने लगातार 3री बार सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब है। 2007 में भी कीवी टीम अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही थी।